नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। दोस्तों, आज के समय में गोपालन में बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही है, और लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है गाय को पालना, उनके खर्चे निकालना। अभी आप ये महावतार बाबा गौशाला भवाद की गो माताएं देख रहे हैं, सारे वो नंदी आ रहा है पीछे, सारी गो माता है, सुंदर सुंदर गो माता है। ये सारी गाय सुबह चढ़ने के लिए निकल गई। मैं इस जो फार्म है इसको कहता हूँ गो अभ्यारण्य। उसका कहने का सबसे बड़ा कारण है कि लगभग 130 बीघा जमीन है और 50-60 गाय, तो जितने भी क्षेत्र में यहाँ पे चारा उगता है, वैरायटी वैरायटी की जो खरपतवार कहते हैं हम, जो गाय के खाने के काम आती है, वो सारी इस क्षेत्र में उगी हुई है। तो गोपालन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गोचर भूमि या चारे की जगह होना, जो इस महावतार बाबा गौशाला में है। तो यहाँ पर अभी गाय सुबह घूमने चली गई, सारी आनंद लेके, देखिए घूम के ही आ रही है, सारी आनंद लेके आ रही है। इसी आनंद की गाय को ज़रूरत है, हमें इस बात को समझना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम गायों को लाके कमरे में बंद कर लेते हैं, या छोटा सा शेड बना दिया, चारा आगे डालते रहे। तो ऐसा अगर आपके साथ भी करो, आपको कमरे में बंद कर दो, पैक कर दो, तो आपको कैसा लगेगा सोचिएगा। तो ये गाय सारी घूम के वो आनंद लेके आ रही है। अब समस्या क्या आती है कि आजकल ज़मीनों की कीमतें इतनी हैं कि लोग गोचर भूमि तो छोड़ना ही चाहते नहीं है। आज देखो तो हर गाँव में जो गोचर ज़मीनें हुआ करती थी, सब पे कब्जे हो गए। दोस्तों, मैंने जो मेरे जीवन में देखा है, जिस आदमी ने भी गोचर भूमि पे कब्जा किया है, जिस परिवार ने भी, तो उनके परिवार में इतने सारे कष्ट आए हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। गोचर भूमि छोड़ना हमारे पूर्वजों की और हमारे सब हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बड़े बड़े राजाओं ने, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के राजाओं ने बड़ी बड़ी किलोमीटरों में गोचर भूमि छोड़ी थी, चाहे वो ओरण हो, देगराय ओरण हो, या बाकी सारी ओरण हो, तो वो सारी ओरणें छोड़ी गई थी। गायों की रक्षा के लिए राजा महाराजा ने भी ऐसा नियम बनाया था कि अगर कोई गो हत्या या किसी भी गाय को दंड देने की या गाय के लिए परेशानी का सबब बनता है आदमी, तो उसके लिए मृत्युदंड निर्धारित था। तो गायों को बचाने के लिए इस तरह की कानून व्यवस्था भी हो और इस गोचर व्यवस्था हो, और जो गोचर पे कब्जा करता है, जो भी गोचर आती है, उस गोचर को आप सुरक्षित रखें, तभी गाय बच पाएगी। अभी आनंद लेके सारी माता बाबा की सारी गोमाताएं आई है, वो नंदी के संवर्धन, अब वो नंदी आप पीछे देख रहे हैं अच्छा सा, उस नंदी के संवर्धन के बाद में ये बछड़िया आप देख सकते हैं, सारी की सारी बछड़िया, सुंदर सुंदर बछड़िया है, वो सुंदर नंदी है। तो संवर्धन बड़ा जरूरी है, इन विषय को ध्यान रखें। अब ये 50-60 है, तो एक आदमी उसमें सेवा के लिए लगा हुआ है, एक आदमी 50-60 गायों में परिवार सिर्फ सेवा में है, तो लेबर कॉस्ट कम होगी, चारे खुले में चढ़ने की व्यवस्था होगी, और संवर्धन के माध्यम से अच्छी बछड़िया तैयार हो रही है, तो बछड़ियों के बछड़ों का भी अच्छा मूल्य मिलेगा और अच्छे नंदी तैयार हो रहे हैं। इससे क्या होता है, खर्चा कम होगा। जब खर्चा कम होता है तो आदमी सर्वाइव कर सकता है। आजकल दिक्कत क्या होती है, जब जोश में आके हम कोई चीज़ कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि महीने का खर्चा इतना हो रहा है, क्योंकि हर आदमी के लिए संभव नहीं है कि घर से पैसा डाल दे। तो घर से पैसा न डाल के ऐसी वायबल स्थिति पैदा हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहता है। तो गोचर भूमि गायों के लिए चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इस बात को विशेष ध्यान दें। और हमारे डेयरी एग्री कंसल्टेंट चैनल के माध्यम से माटी इंडिया और बाकी जो जितने भी यूट्यूब वाले भाई हैं, उन सभी से भी ये निवेदन है, सब मिलके हम ऐसा प्रयास करें कि गोचर जहाँ भी हो, कोई कब्जा किए उसको कैसे मुक्त हो, वहाँ पे कैसे नए नए तरह के चारे उग सके, उन सारी चीज़ों के लिए प्रयास करें। क्यों, हम सबकी पहली जिम्मेदारी ये है कि गायों के लिए चारे की व्यवस्था संपूर्ण। अब देखिए कितने आनंद के साथ अपनी इच्छा हुई, यहाँ पर 10 वेराइटी की घास उगी हुई है, जिस वेराइटी के चारा गाय की खाने की इच्छा है वो खा रही है। अब इससे जो दूध मिलेगा, उससे जो घी बनेगा, उससे जो मक्खन बनेगा, वो एक अलग क्वालिटी का होगा, उसका आनंद अलग होगा। तो भगवान कृष्ण की गोमाता है, इनके लिए घूमने की जगह, गोचर की व्यवस्था, वो आनंद होना ही चाहिए। शाम के समय में, अब आज भी गाँवों में क्या होता है कि गाय चढ़ने के लिए बाहर जाती है, और उसके लिए एक आदमी होता है जो 100 या 150 रुपये महीने का लेता है गाय के लिए, वो उन गोमाताओं को लेके जाता है। शाम के समय जब गाय चढ़ के जब आती है गाँव के अंदर, वो माहौल और वो वातावरण अद्भुत होता है। तो वैसा आनंद हो तभी गाय पालना संभव होगा आज के समय में, नहीं तो वायबिलिटी लाने के लिए दिक्कत होती है। अब हम घी की बात करते हैं, तो जो घी हम सभी बनाते हैं, तो 1500-1600 रुपये उसकी कॉस्टिंग आती है, फिर पैकिंग ट्रांसपोर्ट करके 2000-2500 रुपये उसकी रेट आती है। तो वो घी हो गया अमीर आदमियों के लिए, साधारण आदमी के लिए घी रहा ही नहीं। तो हर आदमी, क्योंकि घी की जरूरत तो हर व्यक्ति को है, तो सभी के लिए घी की व्यवस्था हो, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि खर्चा कम हो। आप देखिए वो सामने गाय आराम से आनंद लेके चल रही है, तो यही आनंद है, यही होना चाहिए, तभी गायों को बचाया जा सकता है, अन्यथा गोमाता को बचाना संभव नहीं है। हम सभी उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि आज के समय में दान व्यवस्था उसके आधारित मॉडल पे गाय बचेगी नहीं। हमें ऐसी व्यवस्था, सस्टेनेबल मॉडल और व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे गायों को बचा सके।
यही सभी हम सभी का प्रयास रहना चाहिए। आप सभी का साथ इसी प्रकार बना रहे, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, कैसा बताया, कैसा लगा है आपको, और आप जरूर बताएं अपनी तरफ से कोई भी व्यू हो कि किस तरह से हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सबके समर्थन के बिना ये सारे कार्य करना संभव नहीं है। जय गो माता, जय गोपाल।